Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोने पे खेल रहा था, अचानक से एक बहुत तेज रफ्तार से बाइक आती है जो कि हमारे बच्चे को टक्कर मार कम से कम 10 से 15 फीट तक उसे घसीटते हुए लेके चली जाती है। बच्चा हमारा ज़्यादा सीरियस हालत में होते हुए हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और आप सिविल हॉस्पिटल आ जाए। की डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चे को काफ़ी चोट लगी है, बच्चे के सिर पे, माथे पे, आँख पे और पीछे बैक गर्दन पे स्टिचिंग आई है और जो कि इसके पैर भी काफ़ी छिले गए हैं। और सर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 60 स्टिचिंग आई है, बच्चे को 60 स्टिचिंग आई है। एक ही बच्चा है घर पे, हमारे घर पे सबसे छोटा बच्चा यही है जो कि आप हालात अभी देख रहे हैं, मौके पे ये हालत है इस बच्चे। मेरी एक पुलिस प्रशासन से भी एक गुजारिश है और न्यूज़ भाइयों से भी गुजारिश है कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो आज मेरे इस छोटे से बच्चे को मार के चला गया है उसके अंदर कितनी दरिंदगी होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। बोर्डिंग वाली गली निवासी का हूँ, मेरा 4 साल का बेटा है। एक्चुअली वो गली में खेल रहा था दोपहर को, 2:40 की बात है और 26/10/2020 की बात है। दोपहर को हम किसी कारण से घर पे खाना खाने नहीं आ सके। पापा, मैं और मेरा छोटा भाई, हम तीनों दुकान पे थे काम होने के कारण, थोड़ा दीपावली का सीजन आने के कारण, और उस दिन हम घर पे खाना खाने नहीं आए। नहीं तो हम घर पे खाना खाने आते हैं। हमारा बच्चा गली में घर के बिल्कुल कोने पे खेल रहा था, अचानक से एक बहुत तेज रफ्तार से बाइक आती है जो कि हमारे बच्चे को टक्कर मारती है। बच्चे का नाम मुदित गर्ग है और सर उसको टक्कर मारती है और कम से कम 10 से 15 फीट तक उसे घसीटते हुए लेके चली जाती है। बच्चा हमारा ज़्यादा सीरियस हालत में होते हुए हमारे यहाँ गली के दुकानदार भाइयों ने देखा और उनसे रहा ना गया। रहा ना जाने के कारण 2 दुकानदार भाइयों ने हमारे बच्चे को उठाया और सिविल हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की, जिसके बाद हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और आप सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। हम जब तक पहुंचते हैं, जब तक जिसने ये वारदात की, लड़के ने जो मुजलिम है वो भी उन्हीं के साथ था, उसके बाद वो लड़का सरकारी हॉस्पिटल से फरार हो जाता है और हमारे बच्चे को इतनी सीरियस हालत में छोड़ के वो चला जाता है। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल वाले हमें कहते हैं कि ये हमारे पास केस हैंडल नहीं होगा। उसके बाद हमने इस बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का विचार किया और हम इसे सिटी हॉस्पिटल ले गए, जिसके अंदर की डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चे को काफ़ी चोट लगी है, बच्चे के सिर पे, माथे पे, आँख पे और पीछे बैक गर्दन पे स्टिचिंग आई है और जो कि इसके पैर भी काफ़ी छिले गए हैं। और सर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 60 स्टिचिंग आई है, बच्चे को 60 स्टिचिंग आई है। मेरी एक पुलिस प्रशासन से भी एक गुजारिश है और न्यूज़ भाइयों से भी गुजारिश है कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो आज मेरे इस छोटे से बच्चे को मार के चला गया है उसके अंदर कितनी दरिंदगी होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। सर पुलिस प्रशासन ने सुभाष ASI है जिनके पास मेरा केस है, उन्होंने सर मुझे हैंडल किया है। मेरे पास हॉस्पिटल में भी आए थे, मेरे घर पे भी आए थे, गली का भी जो रुतबा था वो भी देख के गए हैं, सब महीना अपना करके गए हैं सर। पर अभी तक जो मुजरिम था वो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सर मेरी ये गुजारिश है कि हमें अपने बच्चे को देखते हुए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाना पड़ जाए जिससे कि पुलिस प्रशासन हमें दोषी ठहराए।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, जो कि मेरा ये एक ही बच्चा है घर पे, हमारे घर पे एक सबसे छोटा बच्चा यही है, जो कि आप हालात अभी देख रहे हैं मौके पे, ये हालत है इस बच्चे की, और कृपया करके मुझे इंसाफ चाहिए बस। और मेरी पुलिस प्रशासन से किसी तरह की और कोई मांग नहीं है, बस उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसको किया जाए।